ओके श्योर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई वेलकम यू टू दिस क्लासरूम। वी आर हियर फॉर द पास्ट 8 वीक्स एंड टुडे इज द 9th वीक स्टार्टिंग। सो फार वी हैव कवर्ड 15 क्लासरूम लेक्चर्स एंड 24 ऑनलाइन लेक्चर्स। सो द टोटल इज 39। टुडेज लेक्चर इज द 40th लेक्चर इन द सीरीज। यू नीड अबाउट 48 लेक्चर्स टू कंप्लीट a 3 credit hours course. So we are near our destination. It could not have been possible without your active willingness and cooperation to participate in these online lectures as enthusiastically as you do in case of classroom physical lectures. I also offer you Eid Mubarak, and I am grateful to you that you have curtailed all your engagements. Although it is the 3rd day of Eid, you have cared to attend this class, for which I again thank you. We have been talking about everything related to the subject of administrative law or the law of administration. It is not an unimportant piece of legislation. It requires to be taken very seriously because it is meant to control the excesses of administration. It is meant to discipline the administrative organ of a state. And as you know, the administrative organ of a state is a very powerful organ. It is more equal amongst equals, because it tends to accumulate powers without sharing them with any other organ, and it tends to sometimes move in a dictatorial fashion. So, foreseeing all this, our legislators, they thought it advisable to curtail this tendency of the administration and to circumscribe its actions so that it moves in a particular, you know, circle within the ambit of the law. This is the design of administrative law. हमने इसके बारे में काफी पढ़ा। इसको मरकजियत हासिल है, जहाँ इख्तियारात की तकसीम है तो उसमें अगरचे दूसरे जो ऑर्गन हैं उनकी भी बहुत अहमियत है। जुडिशरी का ऑर्गन बहुत अहम है, उसकी सुप्रीमेसी जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। जुडिशरी का काम है कानून जो है उनको देखना, सुपरवाइज करना कि क्या उनको सही तरीके से नाफिज किया जा रहा है, क्या उनकी सही इंटरप्रिटेशन हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि क्या कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही रियासत में जिससे अफराद के जो हकूक हैं, बुनियादी हकूक, कानूनी हकूक, समाजी हकूक मजरूह होते हैं, ये
जुडिशरी के फराइज़ में सभी में शामिल नहीं पाते और वो इसको बड़े मौसर तरीके से इन फराइज को अदा करती है जुडिशरी। दूसरा जो अदारा है वो आपका लेजिस्लेचर है, जो कानून साजी के अमल को अंजाम देता है, जो कानून बनाता है। और कानून को आपको पता है जो कानून साजी होती है उसमें बहुत सी बातें देखी जाती हैं, उसमें हालात को देखा जाता है, मामलात को परखा जाता है, उसमें माशरती रवैयों को मद्देनजर रखा जाता है, उसमें अखलाकी जाब्तों को सामने रखा जाता है, उसमें जो मजहबी कयूद है मजहब की तरफ से उनकी पाबंदी की जाती है। ये कानून जो है बनाना कोई ऐसा आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। और अगर इसके बावजूद किसी कानून में कोई सुकम हो तो इट इज सब्जेक्ट टू रिविजन, सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन। जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार होता है आला अदालतों को, तो जुडिशियल रिव्यू में भी सुआ मोटे के जरिए या कोई दीगर तरीके से कोई मूव करे तो अदालतें फाजिल अदालतें इन चीज़ों का नोटिस लेती हैं और कोशिश करती हैं कि उनको इंसाफ के दायरे में लाया जाए, उनको कानून के तकाजों का जो एक मयार है उसकी कसौटी पर पूरा उतरा उतारा जाए। तो मैंने आपसे कहा कि जुडिशरी का काम बड़ा नाजुक है, उसके साथ ये जो आपका दूसरा काम है लेजिस्लेचर का काम बहुत नाजुक है, और एडमिनिस्ट्रेटर का काम चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर मरकज में होता है एडमिनिस्ट्रेशन, लिहाजा जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको उनके पास इम्प्लीमेंटेशन के अख्तियारात होते हैं, कानून का जो नफूज है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना होता है, लिहाजा उनके काम को बहुत सख्त निगरानी की ज़रूरत होती है। तो निगरानी एक इंटरकनेक्टेड एक प्रोसीजर्स हैं, उसके तहत चेक्स एंड बैलेंसेस डेमोक्रेटिक निज़ाम में होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस के जरिए हुकूमत के निज़ाम को कामयाबी से चलाया जाता है। आखिरी दफ़ा जो हमने बातें की थी वो थी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में, ये जो तफवीज करदा कानून साजी का इख्तियार है, तफवीज करदा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ड्यूटी लगा दी आप में से किसी की, क्या आपने हाजिरी लगा के मुझे देनी बच्चों की, तो फिर वो डेलीगेट कर दिया मैंने इख्तियार, लेकिन आपको इससे ज्यादा कोई इख्तियार नहीं है कि आप ये करना शुरू कर दें कि लड़कों को या लड़कियों को नाम काटना शुरू कर दें, उन पर जुर्माना करना शुरू कर दें, उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दें। ये इख्तियार मैंने डेलीगेट नहीं किया। यही बात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़िमन में सही उतरती है कि लेजिस्लेचर ने कानून साज असेंबली ने कहा कि लो भाई हम एक कानून बनाते हैं, उसका नाम है एनवायरमेंटल कंट्रोल एक्ट, और फिर हम ये इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, नाफिज कर देते हैं। इसके तहत जो जवाबत हैं, जो रूल्स हैं, रूल्स वो फिर महकमा मुतालिका बनाएगा। ये डेलीगेशन है, रूल्स बनाने की इजाज़त लेजिस्लेचर ने एक्ट के जरिए उस महकमे को दे दी जिस महकमे का वो एक्ट उन्होंने नाफिज किया। तो अब महकमे के पास डेलीगेट होगी इख्तियार, उन्होंने रूल्स बना लिए, रूल्स बना कर नाफिज कर दिए। कानून में तो सिर्फ इतना लिखा है ना कि जी तमाम डिवीजन में जो पंजाब के 9 डिवीजन है तो वहां पर डिप्टी डायरेक्टर होगा, एनवायरमेंटल कंट्रोल उसका काम होगा,
उसके मातहत इंस्पेक्टर होंगे, उसका दफ्तर होगा, वो अपने इलाके के तमाम इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को रजिस्टर करेंगे। जो जो कंसर्न किसी तरह भी माहौल में आलूदगी पैदा करते हैं उन सबको रजिस्टर करेगा। फिर छोटी फैक्ट्रियां, छोटी कारखाने, बड़े कारखाने, जब ये रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर ये उनकी कारकर्दगी को जांचेगा ये महकमा अपने कारिंदों के जरिए। पानी की पोल्यूशन, फजा की पोल्यूशन, इसको रोकना एनवायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है उसका काम है। फिजा में पोल्यूशन शोर के जरिए होती है, फिजा में पोल्यूशन धुएं के जरिए होती है, गैसों के अखराज के जरिए होती है, और पानी के पोल्यूशन क्या होती है, गंदा पानी जो फैक्ट्रियों में से निकलता है, डिस्चार्ज होता है, उसको चैनलाइज किया जाए, उसको प्रॉपरली उसके डिस्पोजल हो, वो गलियों मोहल्लों में ना उबलता पड़े। ये है वो कानून जाब्ता बनाया कि जी हर फैक्ट्री का मालिक जो होगा वो पाबंद होगा, एफिडेविट देगा कि मैंने पानी का निकास का सही इंतजाम किया, मेरी जो चिमनी से जो धुआं है वो उसकी ये वॉल्यूम होगा, मैं अपने जो मुलाजमीन हैं उनके सेहत का ख्याल रखूंगा, उनको मास्क पहनाऊंगा, उनको सामाजिक फासला उनके दरमियान रखूंगा, क्योंकि वहां पर बड़ी कोई खतरनाक किस्म की गैस बनाने का कारखाना। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन विज़ेवी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये तफवीज की जाती है, इख्तियार दे दिया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने अक्सर आपसे बताता हूँ जो इख्तियार होता है ना उस पर भी कदगन है। मुझे इख्तियार है कि मैं आप में से कोई बच्चा भी अगर बदतमीजी करता है, अपना काम सही नहीं करता, हाजिरी पूरी नहीं होती है, तो मुझे इख्तियार है कि जी मैं उसको अपनी क्लास में ना आने दूं। लेकिन मैं इस इख्तियार को बड़े सोच के इस्तेमाल करूंगा, बे सोचे समझे नहीं। मुझे ये भी ख्याल होना चाहिए कि किसी बच्चे को मामूली सी बात पर मैं उसको अपनी क्लास में नहीं आने देता तो ये गलत बात है, उसको पूछ लूँ, उसे समझा दूँ, उसे डांट दूँ, बजाय इसके कि उसका कैरियर खराब करूँ। ये छोटे लेवल में मैंने आपको मिसाल दी कि वन यू हैव अथॉरिटी साइड बाई साइड यू हैव सम बैलेंसिंग फैक्टर ऑल्सो, वो है डिस्क्रिशन। और डिस्क्रिशन जो होता है इट इज ऑलवेज यूज डिस्क्रिटली। तो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में ये बातें बड़ा ज़रूरी हैं, लिहाजा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए लेजिस्लेचर ने अपना काम हल्का कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सहूलतें हो गई कि बहुत सारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन में इमरजेंसी में की जाती हैं, उसके लिए कायदा कानून नहीं होता, उसके लिए फिर वो अपने जवाबत और जाब्ते वजा कर लेते हैं, रूल फ्रेम कर लेते हैं कि ऐसे में ऐसा किया जाएगा, ऐसे में ऐसा किया जाएगा। दिस इज हाउ दे स्ट्रीमलाइन देयर प्रोसीजर्स एडमिनिस्ट्रेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज वन सच लॉ, इज वन सच प्रोसीजर, उसके जरिए द लेजिस्लेचर्स दे गिव पावर, ये ट्रांसफर पावर ऑफ लेजिस्लेशन टू द डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कवानीन वजह कर लेते हैं, लेकिन वो कवानीन जो होते हैं दे इंश्योर दैट दे आर कंपेटेबल विद द डिक्टेट्स ऑफ लॉ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को मजरू करना कानून के मुतरादिफ अमल है, कानून के मुतखालिफ अमल है, कानून के खिलाफ अमल है।
मैंने बताया था कि जूरिस जो होते हैं इस पर तनकीद भी करते हैं। जूरिस्ट आपको पता है वो लोग हैं जो कानून के तालिब इल्म होते हैं, कानून के मुहक्किक होते हैं, कानून को समझते हैं, कानून का मुताला करते हैं, कानून की थ्योरी के बारे में उनका नॉलेज बहुत होता है कि कानून क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कानून का मकसद क्या होना चाहिए। ऑल दिस इज द डोमेन ऑफ द जूरिस्ट। तो ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जूरिस्ट को नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? वो कहते हैं कि जी इसमें एहतमाल है, देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट समबडी माइट गो एस्ट्रे, कोई रास्ते से भटक जाए। जब आप डिपार्टमेंट को इख्तियार देते हैं कानून साजी का, तो डिपार्टमेंट तो फर्द वाहिद होगा, उसमें अथॉरिटी जो होगी वो अपनी मर्जी से जैसा मर्जी बना ले। जबकि लेजिस्लेचर्स में क्या होता है, वहां तो 300 बंदा होता है, उन 300 बंदों की कलेक्टिव विजडम, इज्तमाई जो अकल है, फरासत है, उससे कानून बनता है। आपने देखा होगा कि कानून के टेबल किया जाता है पहले, फिर उसकी रीडिंग्स होती हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का हो चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, और जब उसकी वो जब वो की जाती है व्हाट यू कॉल रीडिंग होती है, तो फिर लोगों को अपनी राय देने का इजहार होता है। लोग तकरीरें करते हैं शिकवार आइटम वाइज कि ये इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया, तो छाना जाता है, शिफ्ट किया जाता है उसको। आफ्टर लॉट ऑफ शिफ्टिंग, लॉट ऑफ डिस्कशन, कानून फिर पास होता है। तो जूरिस्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को वो अहमियत नहीं देते जो वो डायरेक्ट लेजिस्लेशन को देते हैं। पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटर्स या लेजिस्लेचर्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करके अपना बोझ हल्का करते हैं। वो कहते हैं जी हमारे ऊपर बोझ है, हमें बहुत काम है, तो हमने तो एक कानून बना दिया है, उसके मुताबिक रूल्स जो हैं वो ये अथॉरिटीज खुद बना लें, हमने डेलीगेट कर दिया। अब वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत रूल बनाया तो देर आर हायर कोर्ट्स टू चेक देम, अदालतें चेक करेंगी उनको सौ मोटो में और किसी के मूव करने पर भी, लिहाजा देर इज ए मिनिमल चांस ऑफ देयर गोइंग एस्ट्रे। टू गो एस्ट्रे का मतलब होता है गलत रास्ते पर चलना, डेविएट कर जाना। तो लेजिस्लेचर ने कहा कि हमारा काम हल्का हो गया, डिपार्टमेंट ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जी हमें थोड़ा सा कुशन मिल गया कि अब हम बार बार उस कानून को देखते हैं, उस कानून में बहुत सारी चीजें नहीं होती ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक, हमें दिक्कत होती है, तो हम अपने रूल्स वजह कर लेते हैं टू टैकल दोज ग्राउंड रियलिटीज। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम स्मूथ हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ पिवटल इम्पोर्टेंस इन द ऑर्गेनिक बॉडी ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की ऑर्गेनिक बॉडी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अहमियत है। बाकी दो ऑर्गन्स भी तो है ना, एक ऑर्गन जुडिशरी है और एक ऑर्गन है लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी का काम बहुत अहम है, बहुत नाजुक है, वो फौकियत हासिल है दोनों इदारों पर, इंसोबार एज कि वो चेक कर सकते हैं फाजिल अदालतें जो हमारी हायर कोर्ट्स हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम सही कर रहा है, क्या आपने अपने उसे मुतजावज तो नहीं है अपने फराइज से, अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी प्रिविलेजेस से। ये जितनी लिटिगेशन होती है हाई कोर्ट में जो आप जाते हैं, रिट पिटीशन जो आप दायर करते हैं, ये सारी की सारी जो लिटिगेशन है इट रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली। ये ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखती है। कोई पुलिस का होगा, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कोई लॉ डिपार्टमेंट का, कोई सोशल वेलफेयर का, कितने तो ज़राअत का महकमा अलग है और इंडस्ट्री का महकमा अलग है। तो इतने सारे महकमे हैं, तो जितनी लिटिगेशन है
civil and criminal. It is mostly directed against the departments of the government, which constitute the body of administration of a country. तो देख लें एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी अहमियत है, और ये उसके बावजूद है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने उन्होंने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, अपने हदूद में रखने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद जहां मौका मिलता है पुलिस वाले ज्यादा कर देते हैं, इनकम टैक्स वाले ज्यादा कर देते हैं, ज़राअत वाले ज्यादती कर देते हैं, कानून से इधर उधर हो जाते हैं. लिहाजा उसके लिए रेमेडी है कि वेन यू गो बियॉन्ड लॉ, वेन यू ट्रांसेंड लॉ, वेन यू वायलेट लॉ, यू मे बी एनीबडी, यू आर सब्जेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि कानून में चेक और बैलेंस है, जो गवर्नेंस है ना उसमें चेक और बैलेंस का निजाम है. एक चेक और बैलेंस होता है आपस में, किसी का इख्तियार है, किसी का इस रात को कैसे बैलेंस किया गया, तो फिर कामयाबी से निजामे हुकूमत चलता है. अगर गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपस में उनके खिंचाव हो, तो उससे रियासत की गवर्नेंस को नुकसान होता है. जैसा कि एक दफ़ा हुआ था जब 2007 और 2008 में बोरान आया था अदलिया का, तो उसमें यही था कि ये जो अदारे थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे, लेजिस्लेचर और अदलिया, इनके माबैन थोड़ी सी वो पैदा हो गई थी चपकलिश. उसका नतीजा ये निकला कि काफ़ी बदमजगी हुई, फिर सूरत हाल बेहतर हुई. तो चेक एंड बैलेंस से रियासत को गवर्न किया जाता है. जुडिशरी का अपना एक रोल है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, सुपरवाइजरी रोल भी है और बर्तरी का रोल भी है. लेजिस्लेचर का अपना रोल भी है, रोल है, क्योंकि वो डायरेक्ट नुमाइंदे अवाम के नुमाइंदे होते हैं. और एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रोल है कि उन्होंने जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है उसको उन्होंने नाफिज करना है, उसमें उन्होंने इंश्योर करना है कि लोग कानून की पाबंदी करते हैं, और अगर कोई नहीं करता तो उन्होंने उसको दे विल टेक हिम टू टास्क. दिस इज हाउ एडमिनिस्ट्रेशन का ये मामला ऐसे चलते हैं. तो हमने ये काफी कर लिया था और ये तकरीबन खत्म ही है कि जी एक अच्छा तरीका था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. इसमें सहूलत भी है, इसमें टाइम भी बचता है, इसमें आम आदमी को भी फायदा होता है, इसमें कुछ लचक भी होती है, इसमें आजकल के जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, रोज ग्राउंड रियलिटीज में तब्दीली आती है, चीज़ें बदल रही हैं. अभी देखें ना क्या चीज़ें बदली. साइबर का आज से 30 साल पहले तो कोई तस्करा ही नहीं था, साइबर क्राइम्स का. जब इंटरनेट आया, जब सेलफोन आए, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब आया, तो साइबर क्राइम भी शुरू हो गया. आपकी एटीएम मशीन है, यानी इसमें जालसाजी होती, आपके खाते में से रकम नहीं निकाली जाती जालसाजी से. दीज आर पैटर्न एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम्स. तो ये साइबर क्राइम्स आ गए तो गोया एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ गया. जब एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ गया तो ज़ाहिर है लेजिस्लेचर का भी काम बढ़ जाता है. तो लेजिस्लेचर ने तो अपने काम को थोड़ा कर लिया, उन्होंने कहा जी ये कानून बना दिया हमने, अब आपने इस पर अमल दरामद करने के लिए फैजान, इस पर अमल दरामद करने के लिए आपने अब जो है वो रूल्स बनाने हैं. वो रूल्स मैंने कहा था ज्यूरिस्ट नापसंद करते हैं, जो कानूनदान है वो नापसंद करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. वो कहते हैं जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये एक फर्द वाहिद बनाता है, डिपार्टमेंट का हेड जो है या 2-3 बंदे मिलकर बनाते हैं, और जो लेजिस्लेटिव लॉ है वो बनाता है, कौन बनाता है,
वो नुमाइंदे बनाते हैं, अवामी नुमाइंदे, तो वो कलेक्टिव विजडम उनकी होती है। लिहाजा एक कानून बड़ा छानबीन करके नाप तौल के बनाया जाता है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर के जरिए, जबकि रूल जो है वो दफ्तर में बैठते हैं, दो चार बाबू बैठ गए, उनका हेड बैठ गया, उन्होंने जल्दी जल्दी रूल बना लिए। बाज रूल्स बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि अक्सरियत रूल्स की बड़े गौर व फिक्र के साथ वजह किए जाते हैं, लेकिन कुछ में खामियां रह जाती हैं, लूप होल्स जिन्हें आप कहते हैं। लिहाजा वो लूप होल्स हैं, लोग उनसे फायदा उठाते हैं, उस फायदे को हम गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, सही इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस वजह से ज्यूरिस्ट इसको नापसंद करते हैं, लेजिस्लेचर खुद कहती है कि जी हमारा काम हल्का हो गया, और इंतजामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि जी हमें भी सहूलत हो जाती है कि हम अपने रूल्स बना लेते हैं और हमें रूल्स का पता होता है, लिहाजा हम नेक नियति से उन पर अमल पैरा होते हैं। मैंने देखे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नेक नियति, अंग्रेजी में आपको पता है इसको इन गुड फेथ कहते हैं। नेक नियति को क्या कहते हैं? बेटे कितने थे, वो तादाद कितनी थी? ठीक है, तो नेक नियति को हम कहते हैं गुड फेथ। जब आप अपने फरायज मनसबी अंजाम देते हैं तो अगर आपसे गुड फेथ में कोई गलती हो जाए, नादानी में, नासमझी में, जल्दबाजी में, तो वो काबिले दरगुजर है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि आपका इरादा नहीं था, मेंजरी नहीं उसमें शामिल है। आपने पढ़ा हुआ मेंजरी और एक्टर स्लू, आपने पढ़ा हुआ है, उसमें सिर्फ एक्टर स्लू है कि आपने बदअमली का मुजहरा किया है, बदनीयती नहीं शामिल है उसमें। तो जो जुर्म होता है वो दो चीजों का मरकब होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू, जिसमें आप मेंजरी कहते हैं जब नीयत आपकी खराब है, और एक्टर्स भी कहते हैं कि जब आपने उसको प्रोसिक्यूट किया, उस पर अमल किया। तो ये सारी चीजें मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, अगर उसमें बदनीयती शामिल हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का मेयार गिरता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर लोगों का एतबार खत्म होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर बिला वजह लिटिगेशन बढ़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन पर कि रोजाना बुलाया जा रहा है हाई कोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों के सरबराहों को, क्यों बुलाया जाता है? अदालतों में इतना टाइम तो नहीं है कि वो वैसे ही बुलाएं, वो बुलाते हैं, कोई वजह होती है, वो देखते हैं कि सरबराह ने शोबे के अपने दिमाग को सही इस्तेमाल नहीं किया, अपने इस्तेकाक को सही इस्तेमाल नहीं किया, तो बाज़ औक़ात तो बुला लेते हैं, पहले बताइए जनाब, फिर आपको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी पड़ती है, अगर आपने सेटिस्फेक्टरी एक्सप्लेन कर दी तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं इंक्वायरीज में, आपके खिलाफ अदालतें स्ट्रिक्चर्स पास करती हैं। तो ये सारा लबालबाब है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मौजू का, जो इंतहाई अहम कानून है, क्योंकि ये बनाया गया है हमारे रियासत के एक बहुत अहम ऑर्गन को, उसके उसके एक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। द ऑर्गन इज दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव में इख्तियारात होते हैं, तो इख्तियारात में तो हमेशा आपने देखा कि जो कानून है, आईन है, इखलाक है, मजहब है, इन सब ने इज्तमाई तौर पर कलेक्टिवली जोर दिया है। किस बात पर जोर दिया है? कि इख्तियार को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, उसको अगर आप
जल्दबाजी में इस्तेमाल करेंगे, उसको आप अगर ब्लाइंडली इस्तेमाल करेंगे, उसको अगर आप पर्सनल होकर इस्तेमाल करेंगे तो वो कैटापल्ट हो जाएगा, रिकॉयल करेगा, आपके ऊपर उलट जाएगा, बजाय जिसको आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं आपको खुद नुकसान होगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ लॉ दैट लॉज आर फ्रेम फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड देर शुड नॉट बी इवन एन आयोटा ऑफ डाउट अबाउट द लीगैलिटी और जस्टिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लॉ। Therefore, to act upon law is the primal condition for all organs of the state, more so for the administrative organ of the state. And if they deviate from the law, if they violate the spirit of law, they are likely to land into trouble. So the administrative law is meant to correct and streamline the procedures adopted by the administrative departments. किसी भी मुल्क का, देखिए ये बात बड़ी अहम है कि किसी भी मुल्क का की बेहतरी का दारोमदार उसकी गवर्नेंस पर है। इसका बड़ा शोर मचा हुआ है हमारे चारों तरफ, गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस, अच्छी हुक्मरानी अच्छी हुक्मरानी। तो अच्छी हुक्मरानी क्या होती है? अच्छी हुक्मरानी होती है जिसमें कानून की बालादस्ती हो, अच्छी हुक्मरानी होती है जिसमें कायदे और जाब्ते के मुताबिक काम किया जाए, अच्छी हुक्मरानी होती है जिसमें महमूद और अयाज में तमीज न किया जाए। अच्छी हुक्मरानी वो है जिसमें आप अपनी जात से बालातर होकर फैसले करते हैं, अच्छी हुक्मरानी वो है जिसमें आप इंसाफ मुहैया करते हैं उनको जिनकी किस्मत का फैसला आपके हाथ में होता है, और अच्छी हुक्मरानी ये है कि आप अपनी जाती ख्वाहिशात जाती पसंद नापसंद जाती आपकी जो एफिलिएशंस हैं वो रिश्तेदारियां हैं वो इन सब से बालातर होकर आप अपने फराइज में सभी अंजाम देते हैं। मिसाल है कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, किसी महकमे में अथॉरिटी हूँ मैं, मेरा कोई दूर रिश्तेदार है दूर का नजदीक का, वो आ जाता है कहता है कि आप तो इतने बड़े ओहदे पे लगे हुए हैं, मुझे आप किसी दफ्तर में लगवा दें। अगर मैं उसे लगवा दूं इन वायोलेशन ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये ज्यादती होगी और ये बदअमली होगी, बेकायदगी होगी, और ये कानून की गिरफ्त में मेरा ये फेल जो है ये आएगा, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन की साख मुतासर होगी। तो हुआ यही है, जो नैप शैप जो आपके यहाँ बने हुए हैं ये किस लिए बनेगी? इन्हीं बातों की, कि किसी को हुक्मरानी मिली उसने अपने बंदे भर्ती करने शुरू कर दिए, किसी को हुक्मरानी मिली उसने लाइसेंस इशू करने शुरू कर दिए, किसी को हुक्मरानी मिली उसने अपना घर भरना शुरू कर दिया। तो ये तो गवर्नेंस ना हुई ना, ये तो बड़ी बदअमली है, बहुत गलत सूरत हाल है। और इसमें देखिए मुतासिर कौन होता है, हु इज द अफेक्टेड इन दिस गेम? आम आदमी, जिस बेचारे के लिए दो वक्त की रोटी जो है वो मुहाल है। आप देखें बाहर निकलें, आप देखें आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाएंगे कि गरीब आदमी की कैफियत, कि किस तरह अपनी सफेद पोशी को वो कायम रखने के लिए गलत काम भी नहीं करता, पेट पे पत्थर बांधता है, तीन वक्त के बजाय एक वक्त रोटी खाता है, खून पसीना करता है, तीन तीन काम करता है सुबह से शाम तक, ना करे तो भूखा मरे, रिक्शा चलाएगा दफ्तर में जाएगा कुछ छावड़ी लगाएगा। ये है बंदे मजदूर के औकात हैं ये हमारे यहाँ, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ा है इस सूरत हाल में।
तो मिसाली रियासत जब हम उसका तस्वर पेश करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा पिवटल रोल है। तो अभी ख़त्म होने वाला आपका ये लेक्चर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ लाए, अपनी तमाम जो थी वो मसरूफियात उनको छोड़ा, कमर आई, मुजम्मल साहब आए, बिलाल नज़ीर आए, बुशरा आई, हम्माद इकबाल आए, शायरा आई, सना रियाज आई, आनस खान साहब आए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और अब इंशाल्लाह कल से हम फिर पिछली बातें कुछ थोड़ी थोड़ी दोहराएंगे टू रिफ्रेश यू। कोर्स तकरीबन मैंने ख़त्म किया है, कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, आपके जहन में कुछ बातें हो आप मुझसे पूछिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ऐलान।